Good morning, students. Good morning. Today's topic, ninth science biology, chapter first, the fundamental unit of life means cell. जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया था, जितना भी हमारा बायोज है, लिविंग्स हैं, इन सभी बायोज लिविंग्स का जो फॉर्मेशन हुआ है सेल का वह है। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको थ्री पार्ट्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल बताया था आपको, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एंड पार्ट्स ऑफ सेल। मैंने आपको थ्री पार्ट्स ऑफ सेल को डिफाइन किया था। देन सेकंड इज एग्जाम्पल में मैं आज आपको प्लांट सेल बताऊंगा कि प्लांट सेल हमारा कैसा होता है, और ये जो मैंने बताया कि थ्री पार्ट से कंसिस्ट होता है, जो सेल होता है वो थ्री पार्ट से कंसिस्ट होता है। नंबर फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, कह सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन आ, या आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट के टॉपिक में मैंने आपको इन सारे जो पार्ट्स ऑफ सेल हैं, न्यूक्लियस मैंने बताया था कि वेयर फाउंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैंने एक फिगर ड्राइंग किया हुआ है। इस फिगर ड्राइंग करने से मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि ये लोग किस किस जगह पे रहते हैं, ये जो थ्री पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैंने एक्टिविटी नंबर एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर 5.1 ऑनियन पील का आपको एक्टिविटी प्रोसेस में बताया था कि किसी भी सेल को अगर आपको देखना है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से थिन स्लाइस लेके साथ फाइंड से माउंट करने के बाद आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। बट आज मैं प्लांट सेल, ये जो मैंने अभी आपको ड्राइंग किया हुआ है ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग पार्ट है, ये आप देख रहे हो आउटर कवरिंग पार्ट, ये आउटर कवरिंग पार्ट को मैं बोलता हूँ सेल वॉल। क्या बोलूंगा, सेल वॉल। अदर वर्ड्स में क्या बोलूंगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि ये किससे बनी होगी, इसका जो फॉर्मेशन होता है तो सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किससे बना होता है, तो मैंने आपको बताया था प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड से इसका फॉर्मेशन होता है। देन सेकंड, अब देखिए अभी मैंने आउटर कवरिंग लेयर को तो बोला है सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन सेकंड सेल मेम्ब्रेन, क्या बोला था, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। और फिर ये मैंने बताया था कि इनर साइड ऑफ द सेल वॉल, जो सेल वॉल का इनर साइड होता है वो कैसा होता है, डेलिकेट होता है, थिन होता है, इलास्टिक जैसा होता है। तो इस ये जो थिन लेयर वाला आप देख रहे हो कि सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड का जो लेयर है, जो साइटोप्लाज्म यानी एक सब्सटेंस लिक्विड को सराउंड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे, यहां पे मैंने नोट कर रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में फिर हम देखते हैं इस सेल के अंदर एक होलोसिस स्पेस होता है, एक खाली पड़ा हुआ यहाँ पे प्लेस होता है। इस खाली पड़े हुए प्लेस को आप देख रहे हो, इस खाली पड़े हुए प्लेस को साइटोप्लाज्म, सॉरी वैक्यूल बोलते हैं। देन वैक्यूल के साथ साथ में फिर मैंने आपको बताया था वैक्यूल, वैक्यूल के बाद में एक यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, एक यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है। और न्यूक्लियस का मैंने मेन फंक्शन और मेन वर्क बोला था कि ये जब डिवाइड होता है तो ये इनहेरिटेरियन आप बोल सकते हो, या जेनेटिकली आप बोल सकते हो, इसके अंदर ही वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं। कौन से वाले, जेनेटिकली एंड इनहेरिटेरियन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस से ही क्रिएट होते हैं। देन न्यूक्लियस के बाद ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है, इसको मैंने बोला है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर देखिए एक डॉट और भी है, इनके सारे में फंक्शंस भी आपको बताऊंगा एक के वन वन बाय वन, एक के बाद एक। मैं ये जितने भी मैंने सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे नोट किए हुए हैं इन सारे के डिटेल्स और इनके स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देन ये जो ब्लैक होल स्पेस आप देख रहे हो ये वैक्यूल है, और ये वैक्यूल
देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेन्स और भी हैं, कुछ ऑर्गेन्स और भी हैं, और ये जो तीनी टाइप के डॉट डॉट मैंने किए हुए हैं इसको मैंने साइटोप्लाज्म बोला है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म जो होता है ये एक लिक्विड शेप होता है, लिक्विड लाइक होता है, एक सब्सटेंस होता है। इस सब्सटेंस को मैंने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था, कितने में डिवाइड, लास्ट टॉपिक मैंने बोला था कि इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। साइटोप्लाज्म नंबर वन इज साइटोप्लाज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं साइटोप्लाज्म के बहुत कैरेक्टर है। फर्स्ट है आपका, यहाँ पे कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म दो तरह से काम करता है। पहला है यहाँ पे जो लोग होते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्टिव आर लिविंग ऑर्गेन, कौन से हो गए, अंडरस्टैंड, कौन सा हो गया साइटोप्लाज्म का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, पहले लोग कौन से हैं, साइटोप्लाज्म में फॉर्म होने वाले कुछ एक्टिव, एक्टिव का मींस होता है जो सेल के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करें, ऐसे जो ऑर्गेन्स होते हैं, ऐसे साइटोप्लाज्मिक जो कि सेल के लिए कुछ प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहते हैं, ऐसे फंक्शनिंग करने वाले जो ऑर्गेन्स हैं उनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्टिव आर लिविंग ऑर्गेन्स। देन सेकंड इज साइटोप्लाज्मिक इनएक्टिव आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे ये होता है साइटोप्लाज्मिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं और साइटोप्लाज्मिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। तो दैट्स वेरी सिंपल, आप सारे जानते हो कि साइटोप्लाज्मिक, अभी मैंने यहाँ पे केवल एक वर्ड जोड़ दिया है एक्टिव आर लिविंग, ये मैंने वर्ड जोड़ दिया, बट आपको कंफ्यूज होने का कोई भी जरूरत नहीं है। जो हमारे एक्टिव और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमें यहाँ पे फिगर से ड्राइंग, जो मैंने फिगर ड्राइंग किया हुआ है इसमें ये जो आप रिलेटेड ऑर्गेन्स देख रहे हैं जस्ट लाइक न्यूक्लियस आप देख रहे हो, न्यूक्लियस के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे राइबोसोमल ग्रैन्यूल्स होते हैं, देन इसके बाद ये वैक्यूल है, वैक्यूल के बाद एंडोप्लाज्मिक एक्टिव फिल्म है, देन क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स हैं। इस तरीके की जो ये ऑर्गेन्स हैं वो प्रॉपर वे में सेल के लिए वर्क परफॉर्म करते रहते हैं। इसके बाद जब यहाँ के सेल के लिए क्या करते हैं, स्पेशल टाइप का वर्क परफॉर्म करते हैं, तो कैसे, जस्ट लाइक अभी मैं पहले सबसे पहले आपको जो बताने वाला हूँ वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक फर्स्ट मैं लेके चल रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मींस इनर अंदर साइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम इज अ टू टाइप्स, इसके टू टाइप्स होते हैं, इसके टू टाइप्स होते हैं, अभी मैं इसको डिफाइन करता हूं, इसके टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज आर ई आर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है आर ई आर, आर मींस होता है रफ, रफ सरफेस, रफ, ई मींस इंडो मींस अंदर की तरफ, रेटिकुलम मींस नेटवर्क। अब देखिए मैंने क्या किया कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, और देन सेकंड इज एस ई आर, ये जो हमारा सेकंड है इसको एस ई आर मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि यहां पे थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम पड़ रहा है, एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, आपको मैं बता दूं कि मैंने जो भी, मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे जो भी
भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये आपके जितने भी लाइन से जो भी स्ट्रक्चर है ये आपके एनसीईआरटी चैप्टर 5 से लाइन टू लाइन में बताऊंगा। एक एक चीज में आपको एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा, आपको स्टडी करना है, और अगर कहीं भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप मेरे को कमेंट श्योर करेंगे, जिससे कि मैं उस प्रॉब्लम को आपको हटा दूं और अच्छे से आप लोगों को फोकस कर सकूं, क्योंकि ये दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसका लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अभी मैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं तो कहते हैं एसईआर का मींस है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पे क्या आता है, रफ क्यों हो जाता है, कहते हैं ट्यूबुलर लाइक एक रेटिकुलम मींस क्या होता है, जस्ट लाइक ए नेटवर्क। अब यहां पे बात आता है कि ये नेटवर्क किस चीज का है, कहते हैं ट्यूबुलर लाइक, कि ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं मैं ड्राइंग कर रहा हूं, अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं यहां पे, इस ये जो ट्यूबुलर्स हैं इन ट्यूबुलर्स के ऊपर अभी क्या है, सारे प्लेन्स बने हुए हैं, बट यहां पे क्या हुआ है, और ये कंसिस्ट कहां से हो रहा है, न्यूक्लियर वॉल से, इस वॉल से, देख रहे हैं आप न्यूक्लियस, न्यूक्लियर वॉल से, और लेके आपका सेल मेम्ब्रेन तक इसका एक नेटवर्क होता है जो ट्यूब जैसा होता है। तो कहते हैं ये आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ कैसे हो जाता है, जब इन ट्यूबुलर की सरफेसेस पे, जब ये ट्यूबुलर की ये जो ट्यूब्स आप देख रहे हो इसका जो सरफेस है, जब इनके ऊपर यहाँ पे कुछ ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं, कुछ यहाँ पे सम टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स फाउंड होने लग जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो इसका जो ये ट्यूब से इनका जो सरफेस है ये रफ होने लग जाते हैं, इसका सरफेस रफ होने लग जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये जो ग्रैन्यूल्स हैं, ये जो छोटे छोटे से डॉट डॉट मैंने बनाए हुए हैं, ये जो इसका जो मैंने सरफेस को रफ किया हुआ है, ये है क्या, व्हाट इज, ये क्या है, तो मैं कहता हूं कि ये राइबोसोमल ग्रैन्यूल्स होते हैं, जब इसके ऊपर ये आ जाते हैं, ट्यूब्स पे आ जाते हैं, तो इसका सरफेस क्या हो जाता है, कैसा हो जाता है, रफ टाइप हो जाता है। बट इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन का, क्योंकि राइबोसोमल है, ये राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इस वजह से इनका जो सरफेस है ये कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है। और जिस जगह भी आप देख रहे हो जहां की सरफेस के ऊपर जहां पे कोई भी राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो ऐसे टाइप की जो सरफेस वाले ट्यूबल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करके आपको बताता हूँ कि ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या चीज है। तो कहते हैं द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क, अभी मैंने बताया था ना आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है, और कैसा है, क्योंकि रेटिकुलम मींस के रेटिकुलेट मींस क्या है, नेटवर्क, किस चीज का नेटवर्क, ट्यूब्स का नेटवर्क। अब ये ट्यूब्स कैसे हैं, मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अप टू सेल मेम्ब्रेन तक इनका एक नेटवर्क फैला रहता है, तो वही चीज यहां पे बोल रहे हैं, नेटवर्क ऑफ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये बना होता है कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देन थ्रू द साइटोप्लाज्म, सीधी सा है, थ्रू द साइटोप्लाज्म, तो अभी मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक में बोला था साइटोप्लाज्म, टू कैटेगरीज ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की टू कैटेगरीज हो जाती है, फर्स्ट इज नॉन लिविंग कैटेगरी, देन सेकंड इज नॉन लिविंग कैटेगरी, नॉन लिविंग कैटेगरी। तो जो हमारी लिविंग कैटेगरी है इट मींस ये जो साइटोप्लाज्म जो डॉट डॉट मैंने किया हुआ है ये एक सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस के अंदर ये जो आपके ऑर्गेन्स फाउंड हो रहे हैं इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, सो यू कैन से साइटोप्लाज्मिक लिविंग ऑर्गेनेल्स आर एक्टिव ऑर्गेनेल्स, जो सेल के लिए कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करते रहते हैं। तो मैंने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू द साइटोप्लाज्म, सम पार्ट्स ऑफ द कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका कुछ पार्ट अभी मैंने बोला था,
इसका जो कुछ पार्ट होता है, मैं आपको फिगर से फिर एक बार ड्राइंग करके बता दे रहा हूँ, इसका जो कुछ पार्ट होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे अभी मैंने सेल का जो आउटर कवरिंग पार्ट था उसको सेल मेम्ब्रेन बोला था, इसी तरीके से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग पार्ट है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज, फिर इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स। अभी इससे पहले देखिए, अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी से पहले मैंने जो अपने पर्सनल नोट्स थे उन पर्सनल नोट्स को गिवन किया है, लिया है और आपको दे रहा हूं। ये जो भी मैटर है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन मैंने पहले ही आपको बोला है कि एनसीईआरटी की बुक को मैं लाइन टू लाइन आपको क्लियर करूंगा। तो वही चीज कह रहे हैं कि इज ऑफ टू टाइप। मैंने पहले एनसीईआरटी बुक से पहले फर्स्ट, क्योंकि ये नोट से फर्स्ट मैंने ये कहा है इज ऑफ टू टाइप, आर ई आर, मैंने शॉर्ट स्पेस कम की वजह से यहां पे क्या है आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ये कितने टाइप का हो गया, टू टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर देखेंगे, अब यहां पे मेन चीज आता है कि ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन कैसे करता है, फंक्शंस कैसे, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक कोलोडियल मैट्रिक्स। अब देखिए यार एक वर्ड आ गया कोलोडियल मैट्रिक्स, लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था मैट्रिक्स, किसी भी सब्सटेंस का, लिविंग सब्सटेंस का अगर आपको नाम नहीं पता चल रहा है तो उस सब्सटेंस को आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड मैट्रिक्स मींस होता है बेस प्रोवाइड करने वाला सब्सटेंस, क्या होगा बेस प्रोवाइडेड सब्सटेंस, सो यू कैन से मैट्रिक्स, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंटरनल सपोर्ट करता है, किसको करता है, कहते हैं इंटरनल सपोर्ट टू द कोलोडियल मैट्रिक्स। यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये कोलोडियल है, इसको ये इंटरनल सपोर्ट करता है, कौन करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। फिर इसके बाद इट हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट, ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन भी करता है, फॉर्मेशन मींस होता है बनाना, ये इसका क्या करता है फॉर्मेशन करता है। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अभी मैंने पहले ही फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो ट्यूबुलर टाइप स्ट्रक्चर है, एक नेटवर्क जो बना हुआ है, ये रफ क्यों हो जाता है, तो मैंने इसको बताया था ये रफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर ये जो ग्रेन्यूल्स है ये मैंने डॉट 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 किए हुए हैं, ये राइबोसोम्स हैं और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन सेल के लिए होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। जब ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं तो ये जो ट्यूब्स हैं इनका जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और ये कोई और नहीं होते हैं, ये राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट मींस जिस जगह पे ग्रेन्यूल्स हमारे फॉर्म नहीं हो पाते हैं तो वो सरफेस हमारा कैसा हो जाता है, स्मूथी हो जाता है, चिकना सा दिखाई देता है। और ये करता क्या है, कहते हैं सेक्रेट लिपिड्स, ये लिपिड्स को सेक्रेट करता है, सेक्रेट लिपिड्स विच अलोंग विद प्रोटीन्स एंड कॉन्स्टिट्यूट सेल मेम्ब्रेन। और कॉन्स्टिट्यूशन किसका करता है, सेल मेम्ब्रेन का करता है बाई ए प्रोसेस। अब कहते हैं जब ये ऐसा एक्टिविटी करने लग जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन बायो जेनेसिस। रिमेंबर नाउ फिर से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रेट लिपिड, ये लिपिड्स को, लिपिड्स मींस फैट, लिपिड्स मींस फैट, ये इनको फैट्स को क्या करते हैं, सेक्रेट करता है, कौन करता है, स्मूथ वाला करता है, कौन से ट्यूबुलर करते हैं जिनके ऊपर कोई भी राइबोसोम ग्रेन्यूल नहीं है, कहते हैं सेक्रेट करता है लिपिड्स व्हिच अलोंग विद प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट, और फिर क्या करता है प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूशन होने लगता है, और इसके बाद फिर ये क्या करने लग जाता है, इसके बाद ये प्रोसेस अपनी कंप्लीट कर लेता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हम इसको बोलते हैं। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज ए क्रूशियल रोल, ये अपना एक क्रूशियल रोल भी प्ले करता है इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स, किसका करता है, किसका करता है, फिर से एक बार, ये क्या करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिंग, डिटॉक्सिंग मैंने क्या होता है डिटॉक्सी, यानी कि टॉक्सिनेशन मींस क्या होता है जहरीलापन, उसको क्या कर देता है डिटॉक्सिकेशन कर देता है, क्या करता है डिटॉक्सिकेशन कर देता है, और जब ये डिटॉक्सिकेशन करता है कहते हैं मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स का, मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स का। बट अभी मैंने राइबोसोम 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 में बोल रहा हूं, तो ये राइबोसोम क्या है, तो मैं यहां पे बता रहा हूं आपको राइबोसोम, ये राइबोसोम्स क्या होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, जस्ट लाइक मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग करके बता रहा हूं, स्मॉल टिनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सो यू कैन से राइबोसोम, राइबोसोम मैंने ट्राई करके बताया आपको फिर से एक बार, राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल राउंड बॉडीज, अब इनका जो बॉडी कैसा है राउंड बॉडी, गोल इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो शेप है वो राउंडेड है, राउंड बॉडीज फाउंड आइदर इन द फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म, और ये कहां पे फाउंड हो रहे हैं, ये कहां पे फाउंड होते हैं, कहते हैं ये फाउंड बिल्कुल फ्री स्टाइल में इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट, ये जो साइटोप्लाज्म है जो सब्सटेंस है इसमें ये बिल्कुल फ्री रहते हैं, इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं रहता है। फिर इसके बाद है लास्ट में साइटोप्लाज्म अटैच टू सरफेस ऑफ ईआर, जो साइटोप्लाज्म होते हैं अटैच टू ईआर, ये कहां से अटैच रहते हैं ईआर से, और ईआर मींस क्या होता है ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ईआर। तो ये जितने भी जो राइबोसोम्स होते हैं जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट फ्री बिल्कुल होते हैं साइटोप्लाज्म में फाउंड होते हैं, लेकिन जब ये अटैच होते हैं तो किससे अटैच हो जाते हैं जाके आपके ईआर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अटैच हो जाते हैं, और इसके बाद ये अटैच होने के बाद क्या करते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, और इसके बाद ये क्या बना देते हैं ये राइबोसोम्स क्या बना देते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं, ये क्या करते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं, और इसका फॉर्मेशन करने के बाद ये फिर क्या करते हैं, यानी कि शॉर्ट में आप कह सकते हो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन को हम कह सकते हैं शॉर्ट में, अदर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, अंडरस्टैंडिंग यू नो स्टूडेंट्स, देन रिमेंबर नाउ राइबोसोम को एक बार फिर से मैं रिमेंबर कर रहा हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ क्या है राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, सबसे पहले राइबोसोम्स कैसे होते हैं स्मॉल होते हैं, देन सेकंड थिंग राउंड बॉडीज, इनका जो बॉडी होता है वो अभी मैंने आपको बताया राउंड बॉडीज, ये छोटे छोटे से राउंड बॉडीज के होते हैं, देन राउंड बॉडीज आइदर इन द फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म, ये सब साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्री फाउंड होते हैं, और इसके बाद जब भी कभी ये अटैच होते हैं तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे ये अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद ये क्या
क्या करते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन को बना देते हैं। देन दैट्स ऑल, नेक्स्ट टाइम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड गॉल्गी बॉडीज, दैट्स ऑल।